Visit the Gulmohar Expo 6.0 on 23rd November 2019. Have a beautiful shopping experience at Gulmohar. Address @ Banjara Function Hall, Banjara Hills, Road No. 1. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन, सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। एनआरसी को लेकर देश भर में चर्चा चल रही है और कल राज्यसभा के अंदर बीजेपी प्रेसिडेंट और होम मिनिस्टर अमित शाह ने दिया एनआरसी को लेकर अपोजिशन को जवाब। क्या कुछ कहा अमित शाह ने अपने इस बयान में, आइए देखते हैं। इन कलकत्ता, व्हाइल स्पीकिंग इन कलकत्ता, ही सेड दैट ऑल दोस पीपल हुज नेम इज नॉट देयर इन एनआरसी बिलोंगिंग टू द कम्युनिटीज ऑफ हिंदू रिलीजियन। ये जानना चाहता हूं, आपने मुसलमानों का नाम नहीं लिया था, बाकी के सारे कम्युनिटीज को बोला था कि उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो अगर वो इलीगल इमिग्रेंट हो भी तो चिंता करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब आप क्या कुछ प्रपोज किए हैं, कोई लेजिस्लेशन है जो डिनाई करता है मुस्लिम इमिग्रेंट्स को और दूसरे कम्युनिटी के इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप देने का? लोकसभा के अंदर ये बिल पारित हुआ था, एक स्टैंडिंग कमेटी ने इसको अप्रूव किया है जिसमें सभी पार्टी के लोग थे और सिलेक्ट कमेटी और इसमें धर्म के बारे में भी सभी पार्टियों की सहमति से ही इस सदन के अंदर आया है। ये कोई नई बात नहीं है। अब क्योंकि अभी इसलिए नहीं आया कि लोकसभा लैप्स कर गई, अब वो बिल लैप्स कर गया, अब फिर से आएगा। इसका मैंने जिक्र किया था, जो ड्राफ्ट लेजिस्लेशन उस वक्त लोकसभा में आया था उसका जिक्र किया था, मगर अभी भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसकी एनआरसी से कोई लेन देन नहीं, एनआरसी अलग प्रक्रिया। राइट, श्री स्वपन दास गुप्ता। टू द ऑनरेबल होम मिनिस्टर, टेकिंग इन टू अकाउंट द गेजेट नोटिफिकेशन ऑफ 7 सितंबर 2015, in the is this gazette notification applicable to the whole of India? In that case, sir, why I am asking this is the NRC in Assam in that case should make a fundamental distinction between those who are illegal immigrants and those who are non-citizens. Right, has that actually, that distinction, has it been made? If it hasn't, if it has been made, sir, why are various people who are categorized in the gazette notification, why are they being incarcerated? Mantri ji. Sabhapati mahoday, jo NRC Assam ke andar NRC ki prakriya hath mein li gayi, ek Supreme Court ke order ke tahat aur ek alag act ke tahat li gayi. एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी, उस वक्त आसाम के अंदर भी ये एनआरसी की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। और इसमें मैंने फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि किसी भी धर्म के लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोगों को एनआरसी के अंदर समाहित करने की व्यवस्था है ही है और जिस गैजेट नोटिफिकेशन का उल्लेख माननीय सदस्य ने कहा वो पूरे देश भर के अंदर एप्लीकेबल। श्री सुकेंद्र शेखर राय। आउट ऑफ 19 लाख पीपल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप इन असम, 11 लाख आर बंगाली हिंदूज। ऑल्दो मेजॉरिटी ऑफ देम प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ देयर सिटीजनशिप, दे हैव बीन एक्सक्लूडेड। माय क्वेश्चन इज, विल द गवर्नमेंट ग्रांट सिटीजनशिप टू ऑल जेन्युइन अफेक्टेड इंडियंस आउट ऑफ एनआरसी without waiting for 6 years? Right. Mantri ji. Manevar, ye phir se citizenship amendment bill ka sawal puch rahe. NRC ke andar aisa koi provision nahi ho sakta. Ek second. Meri baat samapt hone dijiye na. NRC ke andar aaj jo nagrik bane hai, inka register banane ki vyavastha hai. Iske andar is prakar ka koi provision nahi ho sakta. Magar ye baat sahi hai. Sarkar manti bhi hai ki jo Hindu sharanarthi aaye hain, बहुत जैन, सिख, क्रिश्चियन और पारसी शरणार्थी है, सारे को इस देश की नागरिकता मिलनी चाहिए और इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाकर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये सारे धर्म के शरणार्थी जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हैं, उनको वो बिल के अंदर नागरिकता का प्रोविजन। रिपिन बोरा। Ripen Bora. Hello.
Dipen Bora. No, no, please. Vijay Singh ji, can't. Please don't. No, no. Mantri ji, I have not permitted him. This will not go on record. Neither question nor answer will go on record. Please, Dipen Bora. Please, please. No, no, you can't raise as you like and then ask questions and make comments. I will not allow it. I will not allow it. I will not allow it. Nothing will go on record. Nothing will go on record. I have not allowed the question. So I have not allowed the question. Home question minister. No, no. You can't make comments like this. Mani Adhyaksh. Sri Dipen Bora, I have called him. Sir, you got a question? Sir, yes. Do you have a supplementary? Yeah. Yes. I want to know from the Honorable Home Minister that as per the provision of the Supreme Court, those whose names are left out from the NRC, these people are have to go for appeal in the Foreigners Tribunal. Now I want to know from the Honorable Home Minister in Assam, 19.6 lakhs persons' name have been missing, has been dropped from the NRC. But 4 months have passed, so this appeal right. for appeal, no. No action has been taken, no foreigners what tribunal is, what is has your been question? No, this appeal purpose, for this appeal provision have not started till in right. Assam. Okay, good. The jitne bhi logo ke naam NRC ke andar samahit nahi huye hai, draft jo list bar padi hai usme, wo sabhi ko tribunal mein jane ka adhikar hai. Assam ke andar har tehsil ke andar tribunal banai jayegi. और ट्रिब्यूनल में जाने के लिए अगर किसी भी नागरिक के पास पैसा नहीं है जिनका सूची में नाम नहीं आए तो उसका खर्च भी आसाम सरकार उसको वकील करने का खर्च भी आसाम सरकार उठाने वाली है और इस सभी को हम व्यवस्था देने वाले हैं कि ट्रिब्यूनल में एक वकील के माध्यम से अपना पक्ष ढंग से रख सके. Please don't make comments while sitting. I have given you opportunity, you raised your question, Mantri ji has answered it. किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया अब यूएनआई स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए. नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट्स. सिर्फ यूएनआई स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत. फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज. दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से नजात पाइए. आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद. कॉन्टैक्ट 9703939436, 9063383760.